आज तक अपन ने सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स वालों को बजाया है, जो कि बहुत ही गलत बात है भाई, क्योंकि असली घोड़े का मूत्र पीके वीडियोस तो ये यूट्यूब शॉर्ट्स वाले बना रहे हैं, और इनके क्या व्यूज आते हैं। मैं आपको 170 मिलियन वाली वीडियो दिखाता हूँ यूट्यूब पे। ऐसी वीडियोस आज तक चल रही है जिसमें किसी भी लड़की को अखंड बंड दिखा दो, जिसे साला बेसिक नॉलेज भी नहीं मालूम हो, और वीडियो वायरल, और सच में वायरल भाई। इसमें 170 मिलियन व्यूज है, ऐसे तो साला मैं भी वायरल हो जाता, बस जिंदगी में लड़की ही नहीं है। वीडियो खत्म, ये इतनी सी क्या वीडियो थी? इसमें 500 मिलियन व्यूज किस बात के? और इन उन्होंने आर्मी की ड्रेस क्यों पहनी, वो अपन नहीं पूछेंगे। ये दो आए, इन्होंने गाय को घास खा ली और वीडियो खत्म। आगे की कहानी तुम सोचो बहनचोद। कोई धन है क्या तेरी धूप से राशन। अब फिर बीच में वीडियो बंद कर दी यार। अब ये रावा रनवा जो भी फैमिली बकचोदी कर रही है भाई, अरे कम से कम पूरी स्क्रिप्ट तो लिखो। और सबसे मेन बात अगर आंटी जी का मन नहीं है ना, तो प्लीज उन्हें बॉर्डर पे खड़ा मत करो। ये कैसे एक्सप्रेशन बना रही है बहनचो? अभी बेटी आप कब आओगी? मैं अभी आ रही हूँ। वाह, ये होती है वीडियो, कम से कम पूरी स्क्रिप्ट तो है। बच्चे ने अपने बर्थडे के दिन माँ को बॉर्डर से बुलाया और माँ आ भी गई उसी वक्त। लेकिन आंटी जी, देश की सिक्योरिटी लाउड है पे। अभी जो नेक्स्ट बकरा है उसका नाम है रचित रोजा, और जिसके 14 मिलियन सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे। लेकिन इसको जानता तो गली का कुत्ता नहीं है, ये मैं बोल सकता था, लेकिन क्या पता शॉर्ट्स अच्छे बनाता हो। वाह, रक्षाबंधन पे वीडियो है भाई, ये तो सही है। लेकिन गेस करो भाई की अगली वीडियो किस पे होगी? फिर रक्षाबंधन की वीडियो, एक साल में दो बना ली होगी, इसमें क्या दिक्कत है? दो ही बनाई है ना रचित भाई। अबे फिर रक्षाबंधन पे वीडियो पहल दी, भाई बहन में कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं रचित भाई तुम में? और भी तो फेस्टिवल है इंडिया में, उन पे वीडियो बना लो। अब रक्षाबंधन पे मुझे एक भी वीडियो नहीं चाहिए रचित भाई, देख लेना। ए, नहीं, ए, नहीं। एक और रक्षाबंधन की वीडियो, और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सारी इसी साल की है। रचित भाई, हमारे यहाँ तो एक बार रक्षाबंधन आता है, आपके यहाँ 5-6 बार आता है क्या? क्योंकि अभी भी भाई के चैनल पे 5-6 वीडियो और पड़ी रक्षाबंधन की। ओ भाई, अलग वीडियो। ये है रचित भाई के मीटअप की वीडियो। अब सोचो, रचित भाई के 14 मिलियन सब्सक्राइबर तो मेन चैनल पे, दो और चैनल है जिनमें भी मिलियंस में सब्सक्राइबर है, तो भाई की मीटअप पे कितनी भीड़ आई होगी? अरे बहुत भीड़ आई होगी, चक्का जाम हो गया होगा, सिस्टम सेट हो गया होगा, भीड़ होगी। इतनी भीड़, इतनी ग्रैंड एंट्री का क्या मतलब जब तुम्हारे मीटअप में 4 लोग आए हो, क्योंकि बाकी सारे लोग तो नॉर्मल सड़क पे चलने वाले ही हैं। अरे रचित भाई, इससे ज्यादा भीड़ तो हमारे यहाँ भंडारे पे आ जाती है, और वो भी जब तक भंडारा चालू भी ना किया गया हो। गोली मार दीजिए मैम। रुकिए मैम, वो मेरे जैसे प्लास्टिक सर्जरी किया है, वो एक आतंकवादी है। ठीक है, अगर तुम दोनों को जिंदा बचना है तो बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। वाह, क्या चौथी फेल लॉजिक दौड़ाया है मैडम ने। एक फौजी कभी भी अपने देश को मुर्दाबाद नहीं बोलेगा, क्या डीप थिंकिंग है इसमें। लेकिन इस चीज ने मुझे इम्प्रेस नहीं किया, मुझे तो जिस चीज ने इम्प्रेस किया है वो है जो मैडम ने अपनी जेब से देसी थर्रा निकाल के तो डराया है ना। ओहो, मजा आ गया भाई। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। मैडम ये क्या, आपने झंडा नीचे क्यों फेंक दिया? हाँ तो हमारा काम हो गया। तुम आर्मी हो? हाँ, एक आर्मी हूँ। मैं तुम लोग को चेक करी थी कि तुम लोग फ्लैग की कितनी इज्जत करते हो। हाँ भाई हाँ, अब एक आर्मी ऑफिसर की जिंदगी में काम क्या बच्चा है, वो देश की सिक्योरिटी थोड़ी ना करते हैं, वो तो हर किसी बंदे के पास जा के चेक करते हैं कि वो फ्लैग की इज्जत कितनी करता है। बहुत मिस करेंगे बॉर्डर पर। सुन, माँ कुछ गड़बड़ लगी। मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालने का इंतजाम करो। मयूर, तू पूरी दुनिया जमाने की जगह छोड़ के इस भड़वे को इंडियन बॉर्डर ही मिला प्लानिंग करने के लिए, और काय का बॉर्डर साइड वाले कल्लू पार्क में वीडियो बनाई जा रही है। भाई तुम लोगों को सच बताना, हाथ नहीं कांपते ये इंडियन आर्मी पे ऐसे स्क्रिप्ट लिखते हुए? नहीं। आज से 3 साल पहले मैं भी इसी लापरवाही की वजह से शहीद हो गया था, और मैं नहीं चाहता कोई भी जवान इस गलती को दोबारा दोहराए, इसलिए मैं किसी भी जवान को ऑन ड्यूटी सोने नहीं देता। सॉरी सर। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष, देखो मैं रो नहीं रहा हूँ। दुश्मन, दुश्मन मेरे सामने कहाँ टिक पाएंगे, दुश्मनों को तो मैं।
अरे भाई जी, आपने तो आतंकवादी को मार दिया, पर आपने इसे देखा कैसे? भाई तेरी आंखों में हट बाजड़ी के। इंडियन आर्मी के लिए वीडियो पर एक लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। ये क्या बात हुई भाई, मैं तेरी वीडियो लाइक क्यों करूं इंडियन आर्मी के लिए? अगर मैंने तेरी वीडियो लाइक कर दी तो क्या उनका डिफेंस का बजट बढ़ जाएगा? चलो भाई आज के लिए तो इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। साला इन बेकार सी वीडियो पे 10-10 मिलियन लाइक है, तुम साला एक लाइक नहीं कर सकते? लाइक करो, अभी लाइक करो। मैं तो जा रहा हूँ मीटअप करने, अरे 4 लोग तो मैं भी इकट्ठा कर लूंगा। बाय।